वीडियो में आपको बताऊंगा कि कैसे आप अपने IQ Z9 Pro में आप कैसे डिलीट हुए फोटोज को या फिर गलती से आपके पास से डिलीट हो गया फोटो और इसे वापस लाना चाहते हैं गैलरी में तो कैसे आप ला सकते हैं। चलिए वीडियो को शुरू करता हूँ, ले चलता हूँ फिलहाल अपने फोन डिस्प्ले पे और आपको बताते हैं कैसे आपको डिलीट हुए फोटोज या फिर वीडियोज को वापस अपनी गैलरी में कैसे ला सकते हैं। चलिए वीडियो को शुरू करता हूँ। यहाँ पे चलिए मैं फोटो वाले एप्लीकेशन को ओपन करता हूँ और ओपन करने के बाद एक मैं फोटो आपके सामने लाइव प्रूफ डिलीट करके आपको दिखाता हूँ। जैसे यहाँ पे देख लीजिए वाला फोटो जो और इसे मैं डिलीट करता हूँ, देख लीजिए डिलीट कर दिया, ये वापस डिलीट हो गया। और डिलीट होने के बाद यहाँ पे मैं एक विंडोज ले लेता हूँ, जैसे कि यहाँ पे मैं एक विंडोज ये वाला विंडोज है और इसे मैं डिलीट करता हूँ, देख लीजिए डिलीट हो गया। दो मैं यहाँ पे एक फोटो और एक विंडोज मैं डिलीट कर दिया। फिर से क्या करना होगा आपको, फिर से अपना जो गैलरी वाला एप्लीकेशन है उसे आपको फिर से ओपन करनी है। जैसे यहाँ पे फोटो वाला है इसे मैं ओपन करता हूँ और ओपन करने के बाद यहाँ पे देखिए आपको कर देनी होगी जो भी अनलॉक कर देनी होगी। और यहाँ पे नीचे आपको चार ऑप्शन दिख रहे हैं, फोटोज एल्बम रिकमेंडेड और एक सर्च करके ऑप्शन आपको दिख रहा हूँ। तो सिंपली आपको क्या करना, फोटो पे रहेगा तो आपको एल्बम पे क्लिक कर देनी होगी। एल्बम पे क्लिक करने के बाद नीचे आ जाएगा और यहाँ पे आपको रिसेंटली डिलीटेड करके ऑप्शन आपको दिख रहा हूँ, तो रिसेंटली डिलीटेड पे क्लिक कीजिएगा। और यहाँ पे देखिए फोटोज पे, अगर इसे परमानेंटली के लिए डिलीट करना चाहते हैं तो डिलीट पे क्लिक कीजिए, अगर रीस्टोर करना चाहते हैं तो रीस्टोर पे क्लिक कर दीजिए। तो मैं रीस्टोर करना चाहता हूँ, रीस्टोर पे क्लिक करता हूँ और यहाँ पे फिर से मैं विंडोज को सेम टू सेम अगर डिलीट करना चाहते हैं तो डिलीट पे क्लिक कीजिए और रीस्टोर करना चाहते हैं रीस्टोर पे क्लिक कीजिए। चलिए मैं रीस्टोर करता हूँ और यहाँ पे देखिए रीस्टोर हो गया। चलिए मैं फोटो भी दिखाता हूँ, देख लीजिए। तो इस तरह यहाँ पे आप अपने डिलीट हुए फोटोज को और वीडियोज को वापस गैलरी में ला सकते हैं। अच्छी लगी वीडियोज तो वीडियोज को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पे पहली बार चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन को ऑल पे जरूर कर लीजिएगा।